हमें क्रिटिसाइज करिए, हमको गालियां दीजिए, लेकिन हमको सपोर्ट जरूर करिए। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर, क्योंकि आप भारत के गौरव हैं। ये वर्ड्स, ये सेंटेंस बोले गए थे सुनील छेत्री के द्वारा। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, सुनील छेत्री ने बोला था। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो भारत के गौरव हैं। नाम इन्होंने भारत का रोशन किया है। जब फुटबॉल शुरू हुआ था, ठीक है, बहुत ही फेमस, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फेमस गेम है ये, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेला जाता है, सबसे ज्यादा इस गेम के फैंस आपको मिलेंगे। तो शुरू में तो भारत ने काफी अच्छा किया था, लेकिन धीमे 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 भारत की जो रैंकिंग थी ना, वो 170 पार चली गई थी, तो सबसे पीछे भारत आता था। लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी आए, सुनील छेत्री, बायचुंग भूटिया, तो इन सारे खिलाड़ियों ने भारत की जो रैंकिंग थी ना, वो 100 के अंदर ला के रख दी। तो ऐसे लोग हैं ये, ऐसे खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने भारत का वाकई में नाम रोशन किया है। और अब दुनिया भारत को रिकॉग्नाइज कर रही है, फीफा भारत को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था भारत में। चलिए, मेरा पहला सवाल, कौन जीता था अंडर 17 वर्ल्ड कप, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बात करने वाले हैं सुनील छेत्री, कमाल के इंसान, भारत के गौरव, जबरदस्त फुटबॉल प्लेयर, और सबसे बड़ी बात, एक डाउन टू अर्थ बेहतरीन पर्सन और मोटिवेटर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इनकी बात करेंगे। भैया, सॉकर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और क्या बताऊं, फीफा का फीवर तो चल ही रहा है। वर्ल्ड कप शुरू हो गए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। कमाल के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी फेवरेट टीम्स बताई, और मजा आ गई मुझे तो देख के कि इतने ज्यादा फैंस हैं भारत में भी, है ना। इससे पहले मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिव्यू किया था, कई लोगों ने बोला सर लियोनेल मेसी का भी रिव्यू करिए, अर्जेंटीना के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। एक्चुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो गोल किए थे ना इस वर्ल्ड कप में, मजा आ गई थी मुझे देख के, तो इसीलिए मैंने उनको चुना। दोनों लगभग सिमिलरी है, काफी कंपेरिजन किया जाता है दोनों में, ठीक है, मैं उनका भी कर दूंगा, लियोनेल मेसी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए आप। और क्रिकेटिंग पर्सनालिटी मैं बहुत कम कवर करूंगा, जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अगर मैं कवर करूंगा तो उसमें क्रिकेटिंग पर्सनालिटी बहुत कम रहेगी। ऑलरेडी हम अपने क्रिकेटिंग हीरोज के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, थोड़े और स्पोर्ट्स लेंगे हम जिनका हमने नाम नहीं सुना, जिनकी लाइफ अभी तक हमको नहीं पता। मेजर ध्यानचंद, गजब की उनकी लाइफ थी, बहुत ही पेट्रियोटिक लाइफ थी, बहुत जल्द उनका भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेके, मेरे फेसबुक पेज से एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं। इस बार तो पूरा स्लाइड ने काट ही दिया, ठीक है, तो इस पे पूछिए, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, एसएससी, बैंक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, यूपीएससी, नेट के लिए भी अब आ गए हैं। तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुनील छेत्री की अर्ली लाइफ जानते हैं, भैया फुटबॉल प्लेयर थे ये। भारत में तो एक ही चीज चलती है, क्रिकेट, ठीक है। एक इंटरव्यू में सुनील छेत्री ने बहुत बढ़िया बात कही थी इनसे, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि सर एक बात बताइए कि क्रिकेट बहुत होता है, लेकिन आप फुटबॉल के लिए किस तरह से क्या करेंगे जिससे फुटबॉल आगे आए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत ही मैच्योरिटी से सुनील छेत्री ने यह बोला था कि देखिए, ये क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में बैटल नहीं है, ये हमारे देश है, हर एक स्पोर्ट को आगे जाना चाहिए, और जब भी कोई भारत क्रिकेटिंग टूर्नामेंट जीतता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। तो ये मैच्योरिटी शो करता है, और बिल्कुल सही बात कही, भारत में हर एक स्पोर्ट्स को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना क्रिकेट को मिलता है। सुनील छेत्री की हमेशा ये थोड़ी सी कंप्लेन रही है कि भैया देखो, फैंस नहीं आते देखने के लिए, फंडिंग इतनी नहीं मिलती, हालांकि अब तो काफी अलग हो गई है, पहले तो बहुत बुरी हालत थी, अब तो ISL आ गया है, आई लीग आ गया है, फुटबॉल के लिए बता रहा हूं, इन सब चीजों का जब से, मतलब इन टूर्नामेंट्स का जब से भारत में आगमन हुआ है और इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से फुटबॉल की हालत काफी सुधर गई है, और आप देख रहे हैं तब से भारत की रैंकिंग लगातार सुधरी है फीफा वर्ल्ड कप में, अब तो 100 के अराउंड है, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है, एक समय तो 170 पार कर गई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुनील छेत्री ये बोलते हैं कि फैंस को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और हम भी ये बोलते हैं अपने चैनल के माध्यम से, सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करिए, और इतना सपोर्ट करिए कि ओलंपिक में भारत सारे के सारे मेडल ले जाइए, चाइना वालों को कुछ ना दे, ठीक है, जोक सपाट, वैसे बिल्कुल इतना ही सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो सुनील छेत्री का जो जन्म था वो 3 अगस्त 1984 में हुआ था, 1983 में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था, जब से तभी से भारत के क्रिकेट की दिशा बिल्कुल बदल गई। भैया आर्मी वालों के यहाँ ये पैदा हुए थे, KB छेत्री एक ऑफिसर थे, और आपको बता दूं कि इनका पूरा फैमिली फुटबॉल खेलता था,
इनकी पूरी की पूरी फैमिली फुटबॉल खेलती थी, इनके पिताजी आर्मी के लिए खेलते थे, आर्मी में ऑफिसर थे, और इनकी जो माताजी और इनकी बहनें ये भी नेपाल के लिए खेलती थी, ये भी बता दूं, ठीक है। तो ये जो फुटबॉल है ना, ये इनके जीन्स में था, जेनेटिक था, ये स्पोर्ट्स पर्सन शुरू से ही थे, ठीक है। और बहुत ही जल्द इन्होंने कमाल कर दिया। तो इनके पिताजी जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उस डिपार्टमेंट में थे ये, ठीक है, ऑफिसर थे उस डिपार्टमेंट के, ठीक है। और इनकी जो माता का नाम था वो था सुशीला छेत्री, ठीक है, और तेलंगाना में ये पूरा का पूरा इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्या था कि जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनके पिताजी भी फुटबॉल प्लेयर थे, इनकी माताजी की फुटबॉल प्लेयर थी, अब इनको फुटबॉल प्लेयर बनना ही था। शुरू की जो इनकी पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग हुई थी वो जैसे मैक्सिमम आर्मी वालों के डॉटर्स एंड सन्स की होती है, उनके बच्चों की होती है, कहाँ पे होती है, या तो केंद्रीय विद्यालय या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल APS, भारत के तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं ये, और सबसे जाने माने स्कूल्स हैं, सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे इनकी शुरू में पूरी पढ़ाई हुई, लेकिन ये स्कूल जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट है भैया, खाली पढ़ाई करो और खेलो वेलो नहीं ज़्यादा, ऐसा है यहाँ पे माहौल। तो क्या था कि सुनील छेत्री को टूर्नामेंट खेलने थे, फुटबॉल उनके रग रग में ही था। एक चीज़ और बता दूं कि सुनील छेत्री का शुरू का जीवन इतना आसान नहीं था, इनके पिताजी एक मिडिल क्लास थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स एकेडमी में नहीं भेज सकते थे। और ये भी एक बात बता दूं, सुनील छेत्री कभी भी कोई बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी नहीं गए, टाटा एकेडमी या कहीं और पे कभी नहीं गए, वो उन इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया गया, ठीक है, उसकी भी हम आगे थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, सुनील छेत्री के पिताजी एक बहुत ही मिडिल क्लास थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। सुनील छेत्री एक इंटरव्यू में बताते हैं, ये बोलते हैं कि भैया 5 तारीख जब सैलरी आती थी ठीक है, सब सही चलता था, फिर थोड़ा 8 या 10 तारीख तक आती थी, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती थी, पिताजी बोल देते थे 20 तारीख तक आते आते भैया अब कुछ नहीं मांगना, चुपचाप बैठे रहो। तो अगर मेरे जूते में कोई प्रॉब्लम होती थी या स्पोर्ट्स खेलते खेलते फुटबॉल खेलते खेलते अगर जूता फट जाता था तो मेरे पिताजी यही बोलते थे कि बेटा इसको सिलवा लो। तो हालांकि मेरे पिताजी नहीं, क्योंकि देखिए इनके पिताजी तो ये नहीं बोलते थे, लेकिन सुनील छेत्री को खुद ये मालूम था कि फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम है, पैसे की लास्ट में दिक्कत है, तो सिल लेते थे, ठीक है, काम चलाते थे। और अब वो नाइक के ब्रांड एम्बेसडर है, नाइक जो बहुत बड़ी कंपनी है जूतों की, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप देख सकते हैं ना कैसे चीज़ें बदलती हैं, एक समय पे ऐसी हालत थी और आज कुछ भी उनको चाहिए, किसी भी तरह के जूते चाहिए उनको मिलते हैं। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एथलीट के जीवन में, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो दिक्कत तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू किया। APS और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, इनको जाना था कोई और जगह, ठीक है, कोलकाता में। ये फिर उसके पहले देखिए तेलंगाना से दिल्ली कोलकाता क्या था कि आर्मी वाले बहुत घूमते हैं, तो इनकी जो स्कूलिंग थी वो ऐसे ही होती थी, ये जगह जगह जाते रहते थे क्योंकि ट्रांसफर्स काफ़ी होते हैं गैंगटॉक से दार्जिलिंग फिर कोलकाता फिर दिल्ली। तो इनको एक टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि भैया अगर मुझे अपना करियर जो है आगे बढ़ाना है तो मुझे इस स्कूलों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं ममता मॉडर्न स्कूल ज्वाइन कर लेता हूं। अब ये स्कूल जो है ये फुटबॉल के लिए और स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है, यहाँ की टीम बड़ी अच्छी थी। तो इनके पिताजी को जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे जो कि केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल है इन स्कूल को छोड़ के मैं ममता मॉडर्न स्कूल में जा रहा हूं, तो इनके पिताजी और जो इनके पेरेंट्स थे वो तो थोड़ा सा बिगड़े कि क्या कर रहे हो यार। लेकिन एक चीज बता दूं, सुनील छेत्री हमेशा ये बोलते हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हैं सपोर्ट करना। और सुनील छेत्री ये एक और चीज़ बोलते हैं कि देखिए आपको सुननी सबकी चाहिए, अल्टीमेटली पेरेंट्स और जो भी बड़े एल्डर्स होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सही आपके आपका भला सोचते हैं, इसीलिए बोलते हैं, लेकिन करिए अपने मन की। अब करिए अपने मन की इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भैया बहुत डिस्ट्रक्टिव पाथ पे आप चले जाएं कि शराब पीनी है या कुछ उल्टा सीधा काम करना है, वो नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ अगर आपको कोई और फील्ड पढ़ाई में पसंद है या बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट है उसमें तो आप उसमें जाएं। तो इस चीज़ के लिए सुनील छेत्री को बड़ा भरपूर सपोर्ट मिला है अपने फैमिली मेम्बर से, फुटबॉल के लिए उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया गया और पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया कि जाओ बेटा जाके खेलो। तो ऐसा कुछ था। तो अब क्या था कि ये ममता मॉडर्न स्कूल के लिए खेलते थे, तो ममता मॉडर्न स्कूल में इनका ज़बरदस्त प्रदर्शन रहता था भैया, काफ़ी टूर्नामेंट जीत के आते थे, एक के बाद एक गोल करते थे, भाई टैलेंट था, बहुत जल्दी पहचान लिए गए, दिल्ली सिटी FC के लिए खेलने लगे। अब वहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब भी आप बहुत बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलते हैं या एक नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेलने लगते हैं तो
काफी जो लोग हैं, जो सिलेक्शन कमिटीज के लोग हैं, वो आते हैं, जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े मैच होंगे वो देखने आएंगे, तो वो स्पॉट करते हैं आपको और वहां से टैलेंट को उठाया जाता है। इनको स्पॉट किया गया। अब क्या था कि भैया मोहन बागान क्लब, देखिए ये सबसे ज्यादा फेमस क्लब है और सबसे ओल्डेस्ट क्लब है, कलकत्ता का क्लब है, सबसे ओल्डेस्ट क्लब है। 1889 में भूपेंद्र नाथ बोस ने इनको फाइंड किया था इस क्लब को, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर, भैया भाई चुंग भूटिया तो मोहन बागान के लिए काफी फेमस है, काफी बड़ा क्लब है, काफी टूर्नामेंट जीते हैं, तो वहां पे इनको स्पॉट किया गया। अब क्या था कि जब इनको चुना गया तो सुनील छेत्री बहुत छोटे थे, 17-18 साल के थे, तो इनको ऐसा लगा कि यार ऐसा है कि मतलब जब इनको बुलाया गया क्लब में, और ऐसा बोला गया कि देखो तुमको ये क्लब के सिलेक्टर्स हैं और ये बुला रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगा कि ऐसा है मेरी बढ़िया से ट्रेनिंग होगी और मुझे कोई एकेडमी में रखा जाएगा और वहां पे मैं ट्रेन होऊंगा और 3-4 साल बाद मैं सोच सकता हूं कि ऐसा मोहन बागान के लिए कोई और बड़े क्लब के लिए खेलो। ये भैया उनके पास गए, इनको सीधा बोलते हैं आ जाओ हमारी टीम में। सुनील छेत्री को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सोचिए कि इतना बड़ा क्लब, सुनील छेत्री को खुद भी ये नहीं मालूम था कि वो चुन लिए जाएंगे डायरेक्ट, कोई एकेडमी नहीं गए, कोई बहुत बड़ी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ एक टैलेंट था, वो टैलेंट जो इनके जीन्स में था, जो जेनेटिक था, और वहां से ये चुन लिए गए। तो मोहन बागान के लिए इन्होंने फिर खेलना शुरू कर दिया और उसके बाद जो इनका प्रदर्शन था, यही इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, और इसके बाद जो इनका प्रदर्शन था ना, वो सीधा ऊपर ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज था। अब यहाँ पे बहुत ही फेमस स्टोरी है कि मोहन बागान के लिए समय भाईचुंग भूटिया भी खेलते थे, तो दिल्ली आए थे भाईचुंग भूटिया, ठीक है, तो वहां पे सुनील छेत्री से इन्होंने हाथ मिलाया था, तो सुनील छेत्री भैया बहुत कुछ और सबको बोलने लगे कि भैया भाई ने मुझसे हाथ मिलाया, और क्योंकि भैया भाईचुंग भूटिया जो है फुटबॉल के तो भगवान है भारत में, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्लेयर रहे हैं और काफी लोग इनको फॉलो करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 3 साल पहले ही दिल्ली में मैच था और भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री है अपने दोस्तों के साथ मैच को देखने गए थे, भाईचुंग भूटिया के साथ जो मैच था वहां पे देखने गए। हुआ क्या कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, पुलिस थी काफी, तो इन्होंने कोशिश की अंदर जाने की लेकिन जा नहीं पाए, तो पुलिस ने थोड़ा सा पीटना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत झड़प हो गई दोनों ग्रुप्स में, पुलिस में और इनमें। तो सुनील छेत्री बोलते हैं कि तमीज नहीं है तुमको, ऐसे बिहेव करते हो, फलाना ढमकाना। तो वो इनका पहला इंटरेक्शन था भाईचुंग भूटिया के साथ, और उसके 3 साल बाद भाईचुंग भूटिया के साथ वो खेल रहे हैं, साथ में कंपीट कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी भाईचुंग भूटिया के लिए। वो ये कहते हैं सुनील छेत्री की कमाल के इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, और काफी कुछ सीखा उन्होंने कि किस तरह से एक प्लेयर तो आप हैं, जाहिर सी बात है कि जब आपको फेम मिलती है, आपको पैसा मिलता है, ये नशा जो है ना बहुत ही खराब चीज है, धीमे 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 ओवर पावर कर लेता है और अल्टीमेटली आपको बर्बाद कर देता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और भाईचुंग और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें भाईचुंग भूटिया भी शामिल है, उनमें ये चीज नहीं थी, काफी डाउन टू अर्थ थे और सबसे बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में बात करते थे, सबको इनकरेज करते थे, तो ऐसा कुछ था। सुनील छेत्री भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद क्या हुआ, 2005 में JCT, अच्छा JCT क्या है भैया ये भी बता देता हूं, ये पंजाब का क्लब है बेसिकली, जगजीत कॉटन एंड टेक्सटाइल क्लब, इसको 1971 में फाउंड किया गया था, ठीक है, काफी, और यही जो जगजीत कॉटन टेक्सटाइल है ये इनको स्पॉन्सर भी करती है, उनके लिए चुने गए। वहां पे इन्होंने कमाल कर दिया, 3 गोल धड़ाधड़ मारे, ठीक है, और काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिर सुनील छेत्री संतोष ट्रॉफी में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था, नेहरू क्लब कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। देखिए क्या है, इस समय जो फुटबॉल का जो स्तर है वो भारत में बढ़ता जा रहा है। अभी ISL, सबसे पहले तो आई लीग था, ये नेशनल लीग होती थी, एक पूरा का पूरा नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद फिर ISL आया, इंडियन सुपर लीग, इसमें काफी लोग, जैसे IPL होता है वैसे ही ISL है, काफी लोग हैं स्पॉन्सर करते हैं टीमों को, और फिर काफी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करते हैं, टीमों को खरीदते हैं, तो ISL है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब से ये ISL आया है, आई लीग आया है, तब से फुटबॉल का जो लेवल है वो ऊपर गया है। पहले प्लेयर्स के पास पैसा नहीं रहता था, बहुत ही हालत खराब रहती थी प्लेयर्स की, उनको जॉब्स ढूंढनी पड़ती थी, वो खेल तो खेल ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनको जॉब्स भी ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब आपको पैसा अच्छा खासा मिलता है। देखिए अल्टीमेटली ठीक है आप देश के लिए खेलते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है अपना घर कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। संतोष ट्रॉफी में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था, सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है फुटबॉल की, ठीक है, एक तरह से नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, और हैट्रिक इन्होंने स्कोर की थी, और वहां से फिर जो इनका पूरा का पूरा जो करियर है वो सीधा एकदम एरोप्लेन की तरह ऊपर ही गया है।
उसके बाद फिर 2006 से लेकर पूरा का पूरा जो 2015 तक का सीजन था वहां पर इन्होंने कमाली कर दिया। अब क्या था कि फिर उसके बाद अगेन 2006-2007 में भी इन्होंने 11 गोल मारे, लेकिन देखिए क्या है कि आपको ये बहुत कम लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 11 गोल 12 गोले पूरे सीजन में अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। वहां पे भी डेम्पो के सेकंड आई थी उस समय, ठीक है, जो जेसीटी थी वो सेकंड आई थी। डेम्पो अगेन एक क्लब है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लब्स हैं, फुटबॉल क्लब्स हैं, ये गोवा का क्लब है, ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद फिर इन्होंने मोहन बागान और डेम्पो के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया और दोनों मैचेस जीते 2-0 और 3-2 से। 2006-2007 की पूरी बात है, अलग अलग टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो उस समय आई लीग का पहला सीजन भी शुरू हुआ था, ठीक है, और छेत्री ने उसी सीजन में 7 गोल धड़ाधड़ मारे जेसीटी के लिए, ठीक है, और तीसरे आई थी। तो वहां से छेत्री का जो पूरा का पूरा करियर था वो एक एक स्टेप ऊपर जाने लगा। छेत्री उस समय मतलब अभी तो प्रेजेंट टीम में भारत के कैप्टन ही है, कैप्टन है भारत के, कप्तान है फुटबॉल टीम के। उस समय काफी सिलेक्टर्स इन पे आग गड़ाए हुए थे कि ये भविष्य है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और उसी साल इतने बढ़िया प्रदर्शन के लिए इनको AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पूरे के पूरे फुटबॉल को देखती है भारत में, ये अवार्ड मिला 2007 में इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए और देश के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल, देखिए पूरा का पूरा ये साल चलता गया और सीजन बाय सीजन ये इंप्रूव करते गए। फिर इसके बाद ये इंग्लैंड भी गए। देखिए क्या हुआ था कि इंटरनेशनल इनको काफी ऑफर आए थे, पहले तो काफी र्यूमर्स थी कि ये इंटरनेशनल क्लब्स ने काफी इनको अपॉइंट मतलब बुलाया है, जिसमें अमेरिका का भी क्लब था, इंग्लैंड का भी क्लब था, अमेरिका में कांसास से ऑफर आया था, लेकिन शुरू में तो इन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में छेत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि ऐसा सच है और छेत्री गए भी। लेकिन क्या हुआ था कि ये बड़ी कॉमेडी स्टोरी है कि छेत्री को पूरा का पूरा क्लब में साइन कर लिया था एक क्लब ने, और वो क्यूपा क्लब था, उसने साइन किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अगर आपको क्लब्स के लिए खेलना था उस समय, ठीक है, इंग्लैंड का क्लब था, अगर आपको क्लब्स के लिए खेलना था तो आपकी जो रैंक थी, रैंक है वो 70 से नीचे होनी चाहिए थी भारत की। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था ये सुनील छेत्री को, काफ़ी ज़्यादा वो दुख हुए थे कि बिल्कुल भी वो इसको ग्रैब नहीं कर पाए थे चांस को, क्योंकि 70 से ऊपर भारत की रैंक थी, 100 से ऊपर भारत की रैंक थी, 132-140, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट रहे हैं। छेत्री कई बार बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप पे ही डाउट करने लगते हो, सबके साथ होता है, स्पोर्ट्स में नहीं, ये पढ़ाई में भी होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन वही आपका रियल टेस्ट होता है कि उस चीज़ से आप कैसे बाहर आते हैं। पॉजिटिव रहिए, स्माइल करिए, ठीक है। तो छेत्री को काफ़ी दुख हुआ, प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं उसको सही तो कर नहीं सकता, बेकार में पास्ट को दोबारा खींच के लाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बहुत लोग ये करते हैं, कर कुछ नहीं सकते, एग्जाम हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, उसको वही रहने दो। लेकिन उसके बावजूद अरे इतना क्वेश्चन कर लिया होता, ये कर लिया होता, तो छेत्री भी यही सोचते हैं, लेकिन फिर बोलते जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद बहुत ही बढ़िया डिसीजन होता है आगे बढ़ने का, क्योंकि धड़ाधड़ 2009-10-11-12 इनके गजब के सीजन गए होते हैं और एक के बाद एक ही आगे बढ़ रहे होते हैं। 2013 में क्या होता है कि बंगलुरु FC ने इनको साइन कर लिया होता है छेत्री को, काफी पैसा भी इनको मिलता है, आई लीग स्टार्ट हो गई होती है, नेशनल लीग होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है सिटीज के बीच में, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या है कि उसके बाद फिर क्या होता है कि ISL का भी फाउंडेशन होता हो जाता है। देखिए आई लीग को फाउंड किया गया था 2007 में, इससे पहले संतोष ट्रॉफी, नेहरू कप, ये सब होते थे फुटबॉल के, और भी काफी टूर्नामेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। और ISL को फाइंड किया गया था, इंडियन सुपर लीग, जिसमें काफी सिटीज खेलती है, मुंबई, बैंगलोर काफी है, ठीक है, उसको फाउंड किया गया था 2013 में, ठीक है। तो वहां से चीजें बिल्कुल भारत के लिए बदल गई और तभी से काफी रैंकिंग भी इंप्रूव हुई है, ठीक है। मुंबई सिटी ने इनको 1.5 करोड़ में खरीदा, बहुत ही जबरदस्त पैसा है ये एक तरह से देखा जाए, और बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बेहतरीन है कि ऐसे स्पोर्ट्स फुटबॉल इसको पूरी दुनिया पसंद करती है, लेकिन भारत में इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बावजूद 135 करोड़ है, हम चाहें तो जर्मनी क्या, ब्राजील क्या, सबको आसानी से हरा सकते हैं हर चीज में,
सबको आउटरन कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये प्लेटफॉर्म ISL ने दिया, ठीक है, और अब तो काफी टैलेंटेड लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से टैलेंट को नर्चर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इनको 1.2 करोड़ में पिक किया गया, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर रहे ये ऑक्शन में बिकने वाले, तो ये बड़ा चीज हुआ। और एक बहुत बड़ी बात है, एक इंटरव्यू में छेत्री से पूछा गया था कि आप पैसे के लिए क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात कही थी, आई एम सॉर्टेड आउट, मैं जितना है मेरे पास, मैंने जितना सोचा नहीं तो उससे ज्यादा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा कहे, लेकिन भाई बड़प्पन है ये, ठीक है, इसीलिए तो काफी मैच्योर प्लेयर है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर अगेन इनका जो बेहतरीन सीजन है वो जारी रहता है, और बैंगलोर से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर स्विच करते रहते हैं, हालांकि इस समय ये मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं फाइनली, ठीक है, और इंडिया के तो कैप्टन ही है। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो 11 अक्टूबर 2017 में छेत्री ने 4-1 का जबरदस्त जीत मकाऊ के खिलाफ हासिल की थी, ये AFC एशियन क्वालिफायर्स हुआ था, बहुत ही बढ़िया। देखिए एशिया में एक चीज बता दूं कि एशिया की कंट्रीज हैं वो काफी कंपिटेटिव है। एक्चुअली क्या है कि भारत फुटबॉल में पहले अगर देखा जाए, जब पहले एशियन गेम्स हुए थे तो काफी अच्छा किया था भारत फुटबॉल में, काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ना, भारत लुढ़कता गया। इसमें भारत ने ठीक ठाक प्रोग्रेस की है, लेकिन दूसरी एशियन कंट्रीज ने कमाल की प्रोग्रेस की है। सीरिया जैसी कंट्री जहां पे वॉर चल रहा है, वहां पे वो कंट्री फुटबॉल में भारत से ज्यादा अच्छी है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो AFC एशियन कप होता है, ये एशिया का वर्ल्ड कप है, ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है भारत को सबसे पहला, तो यही एम रहेगा, और ऐसा छेत्री भी कहता है यही एम रहना चाहिए, और हमको एशिया की टॉप 15 टीम्स में आना है। कतर बहुत अच्छा करती है, चाइना, UAE बहुत ही बढ़िया खेलती है, ठीक है, तो वहां से जब हम इन अगर AFC जीतते हैं, एशियन कप जीतते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया रास्ता खोल देगा भारत के फुटबॉल के लिए, तब वाकई हमको लोग पहचानेंगे फुटबॉल में, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने केनिया के खिलाफ गोल, चाइना के खिलाफ गोल, सब 2017-2018 की बात चल रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल मारा, ठीक है, ये सब तो मैचेस की बात है ना, और कमाल की इन्होंने विक्ट्रीज दर्ज की। इसका मतलब यही है कि भारत जो है ना सुनील छेत्री के अंडर बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। कोच का एक और चीज बता दूं, कोच का यहाँ पे रोल बहुत अहम होता है। देखिए जैसा क्रिकेट में होता है, कोच ड्रेसिंग रूम में होता है, बहुत ही क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम है, हमेशा कंपैरिजन होता ही रहेगा क्रिकेट फुटबॉल का, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कर रहा हूं, लेकिन फुटबॉल में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कोच। जैसे जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वैसे ही एकदम सेम तरीके से कोच भी इन्वॉल्व रहता है, एग्रेशन हो जाता है फुटबॉल में, एग्रेशन बहुत आम बात है, 250 से ज्यादा आपकी पल्स चलती है तो काफी इंसान उस समय एग्रेसिव हो जाता है, ये बहुत ही आम बात है, काफी एग्रेशन हमको देखने भी मिलता है फुटबॉल में, तो कोच का रोल काफी अहम होता है। कोच आप देखते हैं काफी चिल्लाता है, काफी बोलता है कि ऐसे खेलो वैसे खेलो, तो वो भी गेम में जुड़ा होता है, तो एक बहुत प्रॉपर कोच भी चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फुटबॉल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब एक एक्साइटिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, आपको पता है कि सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी, जिन्होंने इंटरनेशनल 64 गोल किया है, उसके उन तक अपना रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे ज्यादा तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिनका रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। आप सोच सकते हैं कि हमारे खुद के सुनील छेत्री, उन्होंने लियोनेल मेसी, जिनका बहुत बड़ा ग्लोबली नाम है, उनके इक्वल गोल मारे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। और सर हम यही बस आशा करते हैं कि आप ऐसे ही भारत को जीत दिलाते रहे, और सपना जो है सबका कि फीफा वर्ल्ड कप, चलिए इस बार तो नहीं हम क्वालिफाई कर पाए 2018 में, लेकिन 2022 में जो हो उसमें भारत ना सिर्फ क्वालिफाई करे बल्कि जीत के लौटे। सब कुछ पॉसिबल है, हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, और जाते जाते एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये लिखी हुई है कि हमको पता ही है फुटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, लेकिन इंडिया इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन अगर सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स होना तो कमाली हो जाए, 4-5 ऐसे और आ जाए तो 2022 क्या 2026 का भी वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाएगा। हालांकि भारत ने काफी इंप्रूवमेंट किया है, जैसा कि मैंने बताया फीफा फाइनली नोटिस कर रहा है। फीफा के चेयरमैन कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो काफी भारत को नोटिस कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अंडर 17 वर्ल्ड कप हो, ये काफी बड़ी है, क्योंकि पूरे फिर देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग आपके देश में आते हैं और टैलेंट्स को देखते हैं, उसको निखारते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो यहां पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूं, बहुत जल्द मैं हाजिर हूंगा अपने नए लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर अब फिर थोड़ा सा पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, काफी फीफा हम लोग ने खेल लिया, एक बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर पे होगा अगला लेक्चर, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस पे होगा। गजब के स्कॉलर थे, इनकी टीचिंग्स जो हैं, इनके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है इनकी टीचिंग्स के, लेकिन कमाल के स्कॉलर थे, बहुत ही ओल्डेस्ट एजुकेटर रहे हैं और सबको एजुकेट करते चले गए हैं, और इनकी जो डेथ थी वो पॉइजन से हुई थी। काफी हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगला लेक्चर किस पे होगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, तो रंत कॉल करके अवेल कीजिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।